जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रहा है एनडीए का, और चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग का सरकार बनने के बाद मौका मिला पूरे बिहार घूमने का, उसमें उस क्रम में शेखपुरा पहुंचे हैं, पूरे कार्यकर्ता से, पार्टी के लोग से, बिहार के जनता से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। बिहार में अलग अलग जिला में क्या समस्या है, कैसे है, वो सब चीज़ को देखते हुए सारे प्रक्रिया पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ जगह पे धान का सही से खरीदी नहीं हो रहा है, पैक्स के जरिए या बाजार समिति के द्वारा सही से परचेस नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन से बात भी मैंने किया है, वो प्रक्रिया सही से हो, क्योंकि सरकार का इच्छा है कि पर्याप्त धान खरीदा जाए, उसमें कोई कमी नहीं रखा जाए, तो उसके लिए हम लोग सरकार पूरी क्लियर है कि जितना भी धान किसान दे हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यही सब चीज़ है, जिला में एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, पार्टी मजबूत हो और जो साथी लोग मेहनत किए हैं, संघर्ष करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाए, उस सबको धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। सरकार उथल पुथल में है, कब सरकार गिरेगी इसका कहना तो देखिए, ऐसा विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का तो कोशिश करके तो देख ही लिए, फ्लोर टेस्ट करवा के देख लिए, सारा चीज करके देख लीजिए लिए, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और ये एनडीए का सरकार है। कोई हमारे दो विधायक लेंगे तो हम 20 विधायक लेने का ताकत रखते हैं, ठीक है। तो खैर, ये सब तसल्ली देने के लिए अपने पार्टी में अपने वर्कर को, अपने विधायक को मैसेज देना चाहता है कि हमारा सरकार बनेगा हमारे दूसरे जगह से आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनके इधर से 2-4-10 विधायक हम लोग के साथ आ जाएंगे, तो वो अपने विधायक को, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। सरकार तो हमारी बन चुकी है और क्लियर है कि हमारे पास बहुमत से ज़्यादा सीट है, और माझी जी कह चुके कि हम कहीं नहीं जा सकते, मैं बोल चुका हूँ कहीं नहीं जा सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके कहीं नहीं जा सकते, तो ये हमारे एनडीए सरकार बना हुआ है। और उधर तो हम लोग चारे पार्टी का सरकार है, उधर अगर कोई जाके भी अगर सरकार बनाना भी चाहेगा तो वहाँ पहले से 6 पार्टी है, और कोई जाएगा तो 7-8 पार्टी होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तो सरकार चलना ही नहीं है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। सीएम तनाव में रह रहे हैं, सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए रहती है बीजेपी। सरकार देखिए, सरकार में जो लोग है उनको हमेशा तनाव में रहना चाहिए, जनता का फिक्र करना चाहिए कि जनता को कैसे हम लोग बिहार को बेहतर बढ़ाए, आगे करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तनाव में रहे, 2005 से लेकर अभी तक कि बिहार के भविष्य के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना। बाकी रहा सरकार तो अच्छा काम करे, इसलिए आज चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बना, 20-20 साल अभी हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो खुद संतुष्ट है और सब साथ में है, और हमारे सरकार बहुत मजबूती से आगे चलने वाला है, कहीं कोई किंतु। मत्स्य पालकों और पशु पालकों के लिए आप क्या कर रहे हैं सरकार की ओर से? क्या बहुत सारा योजना हम लोग लाए हैं अभी, जैसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितने भी लैंड है जो डेड है, जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है, जिसमें 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे लैंड में हम लोग उसको किसान से भी ले रहे हैं या प्राइवेट लोगों को ला रहे हैं कि आप उनको तालाब में कन्वर्ट कीजिए, और 1 हेक्टेयर पे हम 10 से 12 लाख रुपए सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा स्कीम है, जिसको लेके बिहार में अगर ये सारा स्कीम जमीन उतर जाएगा तो आप मान लीजिए कि हम जो दूसरे स्टेट से मछली लाते हैं, दूसरे प्रदेश से, वो आने वाले समय में हम कई स्टेट को हम लोग मछली भेजेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से पशु में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि 7-8 पंचायत पे हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए हमारा डॉक्टर खुद किसान के पास जाएंगे और मवेशी का इलाज करेंगे, इस तरीके का स्कीम बन रहा है। 7-8 पंचायत पे हम लोग हॉस्पिटल बनाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा योजना अभी बने हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी आपके अगले महीने हम लोग बजट में सारे चीज़ को जानकारी आप लोगों को देंगे। मांझी जी का मांग था कि एक मंत्री और एक ये क्या है कि सब अपना अपना पार्टी है, सब पार्टी में चाहेंगे कि भाई हमको सरकार से कुछ ना कुछ मिले, ये कोई गलत थोड़े है। और आपस में अगर बात है, अगर उनका इच्छा है तो देखा जाएगा, उनको बोलने वाली बात है। भूख लगेगा तो खाना खाना है ना, अब घर वाले को बोलना ही है भाई थोड़ा हमको खाना दो, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा। बिहार में मत्स्य पालकों का तालाब जो है अतिक्रमण, बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, आपकी ओर से क्या क्या कार्रवाई? उसके लिए हम लोग अभी पॉलिसी बना रहे हैं और सारे समीक्षा किया जा रहा है, अतिक्रमण उसको मुक्त कराया जाएगा, और जल जीवन हरियाली के जरिए उसको ओराईकरण हम लोग करने का निर्णय लिया है, और उस पर बहुत बड़े पैमाने पे काम भी हो रहा है, अतिक्रमण मुक्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं पे कोई बड़ी समस्या है तो उसको सरकार अपने स्तर से, विभाग उसको अपने स्तर से, उस पर हम लोग काम करेंगे।
और कहीं पे मेरे रहते हुए तो बिहार में कोई तालाब पे दूसरा आदमी अभी कब्जा नहीं करेगा। थैंक यू सर।